हे गाइस, आई एम अर्चना एंड यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वुमेन ओशन। मैंने कुछ ज्वेलरी परचेज कर रखी है मीशो से, फ्लिपकार्ट से, और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी है। और ये पार्टी फंक्शन के लिए बहुत ही परफेक्ट ज्वेलरी है। अगर आप छोटे मोटे पार्टी में भी जाते हैं तब उसके लिए भी हैं, और अगर आप किसी शादी फंक्शन में जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी है। तो मुझे लगता है ये राइट टाइम है, क्योंकि इस समय हर किसी के यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। किसी ना किसी के यहाँ पे किसी के यहाँ ब्रदर की शादी, किसी के यहाँ एंगेजमेंट है, किसी के यहाँ कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है। तो मुझे लगता है आप सबको ज्वेलरी की तो नीड होगी। तो बेसिकली मैं आप लोग के साथ ये आज इसीलिए ज्वेलरी शेयर कर रही हूँ। शायद मेरा ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर पाए। आपको अगर इसमें से कोई भी ज्वेलरी अच्छी लगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे जाके आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। जो मीशो की ज्वेलरी होगी उसका मैं कोड दे दूंगी आपको, और जो फ्लिपकार्ट वगैरह की होगी उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जो भी आपको ज्वेलरी अच्छी लगे आप उसे ले सकते हैं। और अगर मेरी ज्वेलरी आपको अच्छी लगे, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी ज्वेलरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ज्वेलरी जो मैंने वेयर कर रखी है ये मिरर वर्क ज्वेलरी है। इसमें मिरर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी लगती है, डिसेंट है। ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छा लुक देती है। अगर आपने क्रॉप टॉप वगैरह पहन रखा है तो उसके साथ, जैसे कि अगर आपने क्रॉप टॉप वगैरह पहन रखा है या फिर कोई भी वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है, तो उसके साथ ये बहुत ही प्यारा प्रिटी लुक देती है। साथ ही अगर आपने कॉटन वगैरह की साड़ी भी वेयर कर रखी है उसके साथ भी ये बहुत अच्छी जाती है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। और मिरर वर्क होने की वजह से ये आपको रिफ्लेक्ट करती है। काफ़ी प्यारी ज्वेलरी है, मुझे बहुत प्यारी लगी। और सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी वाइज और रेट वाइज इसका बहुत ही अच्छा आया था, दैट्स वाई ये मुझे और भी अच्छी लगी। जिस प्राइस में और जिस क्वालिटी में ये आई है, डेफिनेटली ये इसके लिए थम्सअप है। और ये मीशो से ज्वेलरी है इसलिए भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि इतने प्राइस में इतनी अच्छी ज्वेलरी मीशो से मुझे फर्स्ट टाइम रिसीव हुई थी, तो आई रियली लव इट। और गाइस, सेकेंड ये है झुमके, बहुत ही प्यारे ब्लैकिश टोन में झुमके हैं। और सबसे अच्छी बात है ये इतने जितने बड़े लग रहे हैं देखने में उतने ही लाइट वेटेड हैं, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आए हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। डेफिनेटली मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जिस प्राइस में मुझे ये रिसीव हुए हैं वो काफ़ी हाई था। मुझे लगता है इसका प्राइस इतना नहीं होना चाहिए था। अदरवाइज ये क्वालिटी वाइज और ये इसका जो भी टचअप है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैकिश कलर में बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और काफ़ी बड़े हैं। क्योंकि अगर आपका फेस बहुत छोटा है या फिर आपने बहुत कम मेकअप किया है और किसी पार्टी फंक्शन में जाने के लिए अगर आपने ये झुमके वेयर कर रखे हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये है थर्ड ज्वेलरी जो कि मीशो से ही है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, और ये भी काफ़ी प्रिटी लगती है। जिसमें चैन के साथ एक बड़ा सा लॉकेट दिया है, और बहुत ही सुंदर सी बालियां हैं जो कि बहुत मीठी मीठी सी आवाज़ करती हैं। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छे आए हैं, और साथ में ही एक बैंगल भी दिया है जिसको आप टाइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चूड़े में, बहुत ही सुंदर दिया हुआ है। और ये भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी आई है, और प्राइस वाइज रेट वाइज ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अफोर्डेबल थी, और साथ ही इसकी क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी है। ये भी ज्वेलरी आप नॉर्मली किसी ड्रेस के साथ पहनते हैं तो अच्छी लगती है, या फिर आप किसी भी साड़ी वाड़ी के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर लगती है। और साथ में ये बैंगल दी हुई है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्यारी डिज़ाइन है इस चोकर की, आप लोग देखिएगा, इसमें जो मैं फ़ोटो डालूंगी आप लोग देखिएगा, बहुत प्यारी सी डिज़ाइन है इस चोकर की। और इसके साथ ये गोल्ड से इयररिंग्स दिए हुए हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और सेम मैचिंग की इयररिंग्स भी दी हुई है इसके साथ। साथ में दिया हुआ है एक नोज पिन जो आप ऊपर से दबा के पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, सेम कॉम्बिनेशन का है और बहुत ही प्यारे लगता है। आप इसको पहन लीजिए और एक थोड़ा सा बड़ा सा नेकलेस पहन लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देता है किसी भी साड़ी के साथ के अगर या फिर किसी भी ड्रेस के साथ आप पहनेंगे तब भी बहुत प्यारा लगता है। एंड द नेक्स्ट ज्वेलरी इज ये काफ़ी हैवी सा नेकलेस है, ग्रीन कलर का है, रेड कलर या फिर मैरून कलर नहीं अवेलेबल था। और जब मैंने इसको पेयर किया बहुत ही प्यारा लग रहा था, काफ़ी सुंदर था। और इसके साथ ये बहुत ही प्यारे से झुमके लिए हुए हैं, इसको चाहे आप ऊपर भी लगा सकते हैं या फिर इसको कॉम्बिनेशन में पीछे भी डाल सकते हैं। इसको मैंने भी टाइप नहीं किया है, मैं आपको पिक लगा दूंगी एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। इसको चाहे आप तो टाइट भी लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा लूज भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन में।
और साथ ही इसके साथ दिया हुआ है ये बहुत ही प्यारा सा मांग टीका, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ग्रीन कलर। जैसे कि आजकल कॉम्बिनेशन में कोई भी आउटफिट पहनो, आप गोल्डन पहनो, रेड पहनो, कोई भी उसके साथ ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन में ज्वेलरी पहन लो तो काफ़ी अच्छी लगती है, ट्रेंड में आजकल चल रहा है, तो कुछ ऐसा ही ये भी है। तो अच्छा लगा मुझे, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप ये ज्वेलरी परचेज करते हो। बाकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये मुझे ज्वेलरी मिल गई। इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो वर्क किया गया है, इसमें इतना प्रिटी है, और उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस था वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था, जो डेफिनेटली इस प्राइस में तो इसके लिए ओके है। बाकी ज्वेलरी बहुत प्यारी है, फ्लिपकार्ट से मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये एक नेकलेस है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, ये मैं ऐसे नेकलेस भी वेयर कर लेती हूँ कभी कभी, और इसे मैं जूड़े में भी पेयर कर लेती हूँ, तो ये एक हेयर एक्सेसरीज बन जाती है। तो इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो डेफिनेटली मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि मैं इसे टू इन वन यूज़ करती हूँ एज ए नेकलेस भी, और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसे अपने हेयर एक्सेसरीज की जैसे भी यूज़ कर लेती हूँ। उसकी बात है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई थी, तो डेफिनेटली अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी में जो भी मेरे पास ज्वेलरी है काफ़ी क्वालिटी में काफ़ी अच्छी है, बाकी अगर आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप आई जाके होप परचेज आपको कर मेरा ये सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी फ्रेंड और फैमिली सर्कल के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम।